हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़ और स्वागत आपका आज के इस वीडियो में। तो यार, अपन इंडिया में अगर बात करें 125 सीसी सेगमेंट की, तो होंडा S125 अपनी एक अलग पहचान रखती है। लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से इस बाइक में कोई भी बड़ा अपडेट नहीं हुआ है और ना ही कोई कलर ऑप्शन वगैरह इसमें नए चेंज किए गए हैं। और अभी की बात करें तो TVS Raider 125 का नया वेरिएंट लॉन्च हो चुका है और काफ़ी शानदार फीचर्स उस बाइक के अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो पल्सर 125 है, उसका भी नया वेरिएंट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि SP125 का नया वेरिएंट आना चाहिए। और मैंने कहा था लास्ट वीडियो में आपको कि यार, अभी तो कोई भी ऐसा इसका नया मॉडल नहीं आने वाला है, जिससे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बताऊँगा। और इसी बाइक को लेके, होंडा S125 को लेके एक नया अपडेट निकल के आया है अभी, जिसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि इस बाइक के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाए। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट बाइक वीडियोस देखने को मिलते रहें। बात करें होंडा S125 की, तो इस बाइक का जो इंजन है काफ़ी रिफाइन है और काफ़ी स्मूथ इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। इसका जो माइलेज है काफ़ी अच्छा है, 70 तक का माइलेज भी ये इको मोड में आपको आसानी से दे देती है। बात करें आप इसके फीचर्स के बारे में, तो मीटर कंसोल भी काफ़ी शानदार है इस बाइक के अंदर। इसमें रियल टाइम माइलेज, गियर इंडिकेटर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे इसके कंपटीशन में जो बाइक आती है, रेडर 125 और ग्लैमर एक्सटेक, इन दोनों बाइक में आपको नेविगेशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि होंडा SP125 में नहीं देखने को मिलता। और थोड़ा सा अपन ओल्ड टाइम की बात करें, तो होंडा साइन पहले काफ़ी सेल होती थी और उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स भी नहीं मिलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि होंडा ने एक नया अपडेट दिया, एक नया वेरिएंट निकाला SP का, और होंडा साइन का यहाँ पे नया वेरिएंट निकल गया SP125, और उसमें काफ़ी शानदार फीचर्स दे दिए गए थे। जब SP को लॉन्च किया गया था, तो इस सेगमेंट में ये सारे फीचर्स आपको किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद ग्लैमर आ गई, उसके बाद रेडर आ गई, और दोनों में थोड़े और एडवांस फीचर आपको देखने को मिल गए। और यहाँ पर जो S125 है, अब आज के टाइम के हिसाब से थोड़ी सी यार आउटडेटेड हो गई है। लोग अब थोड़ा सा कम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लुक्स भी वही है यार, और इसके अंदर कोई चेंज भी नहीं है, ना कोई अपडेट आ रहा है और ना कोई नया कलर ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर जो कंपनी है, इसमें बड़ा अपडेट करने वाली है। तो यार, अभी अपडेट निकल के आ रही है कि इस बाइक में नया मीटर कंसोल जल्दी ही आने वाला है। हो सकता है उसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएं। इसके अलावा ये न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि इस बाइक में आपको दो नए कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से एक शायद रेप्सोल एडिशन हो सकता है, जो कि होंडा भी अपने करंट कुछ प्रोडक्ट में भी दे रहा है। लॉन्च की अपन बात करें, तो जो इसकी लॉन्च बताई जा रही है, वो मार्च के समथिंग के बताया जा रहा है कि मार्च के समथिंग में होंडा कंपनी इसमें नए मीटर कंसोल के साथ दो नए कलर ऑप्शन लॉन्च कर सकती है। बाकी यार, आपको ये जो बाइक है कैसी क्या लगती है और आपके हिसाब से इस बाइक में क्या अपडेट होना चाहिए, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से इसमें मीटर देने के बजाय या कलर देने के बजाय, इस बाइक का जो टायर साइज है ना, वो थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। एटलीस्ट या 90-90-18 का तो टायर इसमें देना ही चाहिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो ग्रिप वगैरह ब्रेकिंग थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके अपडेट्स के बारे में, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और काफ़ी भाई लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि यार, होंडा का जो आउट ऑफ इंडिया में एक वर्जन आता है CB125F, वो क्या इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो यार, ACFG कोई अपडेट नहीं है मेरे पास कि ये जो वेरिएंट है इंडिया में लॉन्च हो सकता है। ये जो वेरिएंट दिखने में काफ़ी अच्छा है और लुकिंग वाइज भी काफ़ी शानदार लगता है, लेकिन इंडिया में लॉन्च को लेकर यार अभी कोई कन्फर्म न्यूज़ इसकी नहीं आई है, तो इसके बारे में भी अपन कुछ नहीं कर सकते। अभी जो मेरे पास न्यूज़ आई थी, जो अपडेट आई है, मैंने आपको बता दी है कि नया मीटर कंसोल इसके अंदर आ सकता है और दो नए कलर ऑप्शन इसके अंदर जल्दी ही आ सकते हैं। तो बस यार, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 300 लाइक। तो जितने भी SP125 लवर है यार, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आगे भी आपको बाइक रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहें। और बाकी कुछ बातचीत करनी हो किसी बाइक के बारे में, तो स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मेरे से इंस्टा डिटेल से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।